ंक मोमेंटम में आ गया है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली क्योंकि देखिए 800 पॉइंट जुड़ चुके हैं ऑलरेडी तो हाँ जोड़ सकते हैं हम मोमेंटम को प्ले करने के लिए एक बार डाउट फ्यूचर्स भी दिखाइएगा लेकिन स्टॉप लॉस सख्त बहुत ज़रूरी है और इस ट्रेड में एक बात ध्यान रखनी है शैल जी अड़तीस ये एक थोड़ा सा ट्रेवल करने वाला पॉइंट है लेकिन विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व आई थिंक इस ट्रेड पर हम जा सकते हैं बस निफ्टी में शैल जी एक एडवांटेज ये था कि निफ्टी के पास रिलायंस था और इसीलिए थोड़ा झुकाव मेरा निफ्टी की तरफ तरफ था अदरवाइज ये कॉल भी ठीक है लेकिन अड़तीस हजार निफ्टी के पास रिलायंस है और बैंक निफ्टी के पास कोटक बैंक है वीरेन् जी दो का प्राइस आप कैश में आते हुए दिख रहे हैं हम लोग काफी सारी लॉन्ग कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं मैं एक एक आपको स्क्रीन पर दिखाता हुआ दिखता हूं डायरेक्टर साहब जरा कोटक की हम लोग दो की कॉल जो थी आ, उसका जरा दर्शन कर दीजिए स्क्रीन पर वो अब आपको सैंतीस रुपये पचास पैसे पर ट्रेड करती हुई दिखेगी और 2040 की चा पैंतालीस रुपये पचास पैसे साथ ही साथ स्क्रीन पर लेके आइए आशीष चतुर्मोत्रा साहब की तरफ से आ, कोल्टे पाटिल वो भी आपको दिन के उच्चतम लेवल तीन हजार तीन सौ पचपन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है सारा मोमेंटम वापस अब रियल एस्टेट स्टॉक्स में आता हुआ ब्रिगेड एंटरप्राइजेस देख लीजिए ओवरॉय रियलिटी देख लीजिए साथ ही साथ ध्यान डालिए आप यहाँ पर पूर्वांकरा पर ये सारे काउंटर्स आपको तेजी में मूव करते हुए दिख रहे हैं और अब निफ्टी बैंक में एक नई चाल और मोमेंटम आता हुआ आठ सौ सैंतीस अंकों पर सैंतीस हजार सात सौ अस्सी जी जी हाँ लीजिए और इस बीच ज़रा आप ले आइए एच डी एफ़ सी रोलिंग टू सेवन नाइन सेवन टू सेवनटी टू सेवन नाइन सेवन पर एच टी एफ़ सी रोलिंग जो है वो डी हाई पर हो गया है आशीष चतुर्माता जी कुछ देर पहले मैं इस से इस स्टॉक पे इसलिए फोकस कर रहा था और कि कारण ये था कि सब कुछ चल गया लेकिन पिछले पाँच सेशन नहीं पाँच क्यों आई थिंक मैं बार बार उस फीक ट्रेड की कैंडल से कन्फ्यूज़ जाता हूँ लेकिन आप समझ लीजिए कि सात सेप्टेम्बर से लेकर टिल डेट तक

सर्वोच्च तरों तो पर लाके खड़ा कर दिया इस स्टॉक ने सात सौ छियानवे पचास और पिछले दस मिनट के बिहेवियर को देखिए इसके डे दे हाई पर आप क्या कहेंगे इस पर आशीष बहते जी आठ सौ रुपए और आप ये समझ लीजिए कि मैं अब जाके ये एंटर कर चुका है अपने फोर्टीन सितंबर से, से लेकर तीन सेप्टेम्बर के स्विंग जोन के बीचों बीच अभी नेक्स्ट टारगेट क्या बन रहा है यहां पर जी शोभा डेवलपर्स का जो नेक्स्ट टारगेट इमिजिएट दिख रहा है वो 850 का जो इसका रीसेंट हाई था आ, मुझे लगता है कि ये स्टॉक वहाँ की ट्रेजेक्ट्री ज़रूर क्रॉस करेगा आ, जो इसे अभी भी यहाँ पे बाइंग की सलाह है 760 का स्टॉप लॉस का लगाकर 850 के टारगेट्स के लिए बाइंग की जा सकती है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मूव देख रहे हैं जो वॉल्यूम शोभा पर है वो देखते ही बनती है और कर्नाटक में जहां पर शोभा हेडक्वार्टर्ड है पिछले दो दिनों में उन्होंने सरकार ने काफ़ी ठोस कदम उठाए हैं कि रियल इस्टेट स्पेस में आप छूट दें रजिस्ट्रीज़ की